हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आपको पता है कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है टाइम की। और अगर वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस भी उसमें ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है ट्रिक सीखते हैं कि ट्रिक के द्वारा हम लोग जो है चीज़ों को आसान कर सकें, अपने एग्ज़ाम में चीज़ों को अच्छे से कर सकें और उसको फास्ट कर सकें। तो इसी सीरीज में हम आपको सिखाएंगे पैरा जंबल को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका हमने पहला वीडियो आपको दे दिया था और ये इसका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस वहाँ भी मैंने सॉल्व करा दिए थे, आपको 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे उसमें। और उसमें आपको कुछ इसके बारे में हमने कुछ नॉलेज भी दी थी कि आपको इसको किस तरीके से करना है। हो सकता है स्टार्टिंग का पार्ट उसमें आपको ना समझ में आए, बट आपको पूरा देखना है। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो है काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पर करने में। ठीक है, तो हमने आपको उसमें बताया था कि हमारे पास जो मेन चीज़ें होती हैं वो होता है सबसे पहले ऑप्शन। सबसे पहले हमारा जो मेन इसमें हथियार है इस क्वेश्चन को पैरा जंबल को सॉल्व करने में, वो है ऑप्शन। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि है क्या प्रोनाउन। ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन, और तीसरा है आर्टिकल। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे मुख्य हथियार हैं किसको पैरा जंबल को सॉल्व करने में। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और एक चौथी चीज़ हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये भी होनी चाहिए आपके अंदर, तब आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपको यहाँ पर जैसे इसमें है द सिटी और ये आया है यहाँ पर पूरी। ठीक है, तो इस हिसाब से सी के बाद आपका बी आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर आया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और सी के बाद बी इसमें भी नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग पहला वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में भी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे हमने इसमें क्या किया था कि यहाँ पर ए से शुरू होगा सेंटेंस, देयर लिव्ड किंग ए पुलिस किंग, और उसके बाद आया द किंग। तो ए के बाद डी का पेयर बनना चाहिए, तो ए के बाद जो है डी का पेयर जो है यहाँ ये इस वाले ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो में है, तो ही आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो स्टोरी टाइप का है, तो इस चीज़ों को आप जो है आसानी से कर भी सकते हैं और इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं आसानी से। यहाँ पर क्या था, डैड आई थिंक टू यंग फॉर इट, लक्ष्मी। बी से शुरू करेंगे, डैड आई नीड टू स्पीक टू यू यस टेल मी। बी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर तीन में है, बी ए से शुरू हुआ है, तो ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग डिटेल से करेंगे। अभी ये वाले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से वहाँ पर बताया था। इन पर काफ़ी जो है काफ़ी टाइम तक हमने इस पर जो कुछ बातें भी की थी किस तरीके से आप कर सकते हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, राम इन्वाइटेड हिज फ्रेंड। तो डी से ऑप्शन शुरू हो रहा था, डी से दो ऑप्शन थे, तो वेन श्याम रीच्ड हिज हाउस। ठीक है, तो डी के बाद सी आया था, तो ऑप्शन नंबर तीन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला था, तो इसमें क्या था कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैलामूल की बात हो रही है और इसकी ऊँचाई की यहाँ पर बात की गई, तो डी के बाद ए आया था हमारा, और उसके पहले जो है बी से शुरू हुआ था सेंटेंस। ठीक है, तो बी सी सी नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन होगा, बी डी सी ए हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, आई हैव ऑलरेडी, यहाँ पर देखेंगे सी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, इसमें दो ऑप्शन है सी के, और उसके बाद गिव मी मनी, माई मनी बैक, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट इट, ऑप्शन नंबर ए आएगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में करा दी थी, यहाँ पर हम थोड़ा आगे देखेंगे, तो यहाँ तक था शायद। ठीक है, हाँ, इसे यहाँ तक हमने सॉल्व करा दिया था आपका। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इतना तक हमने आपको पूरा जो है सॉल्व करवा दिया था। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन पर, सबसे पहले जाएंगे ऑप्शन में क्या है वो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोग जो है ऑप्शन ही देखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे डी सी बी डी, यानी कि दो ऑप्शन डी से स्टार्ट है, एक बी है, एक और सी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना है ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर डी देखेंगे, तो डी जो है दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन जो है डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम डी को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है,
तुवंस ए लायन वेंट हंटिंग विथ थ्री अदर बीस्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला हो गया। बाकी आप लोगों की तसल्ली के लिए यहाँ पर करवा देता हूँ कि सी अगर सी से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आया है ही, जो कि है क्या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन अपने किसी नाउन के लिए यूज होता है, तो ये वाला ऑप्शन सी से नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे बी से स्टार्ट है तो बी में भी ही से शुरू हुआ है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोई सेंटेंस या कोई स्टोरी होती है वो प्रोनाउन से नहीं किसी नाउन से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहाँ से भी ये स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको पहले वीडियो में सारी चीज़ें समझा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, वंस ए लायन वेंट हंटिंग विथ थ्री अदर बीस्ट्स। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर या फिर जंगली, तो एक लायन था जो दूसरे जंगली जानवरों के साथ जो है हंटिंग के लिए यानी कि शिकार करने के लिए जा रहा था। ठीक है, उसके बाद आएगा सी या तो फिर ए, तो इसमें से देखते हैं कौन आ सकता है। तो सी और ए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सी और ए देखते हैं। ठीक है, तो ए शुरू कर दे, ए देख लेते हैं सबसे पहले। व्हेन इट वाज टाइम टू डिवाइड द स्पॉइल्स, जब स्पॉइल, स्पॉइल मतलब जो लूट का माल होता है उसको बोलते हैं स्पॉइल। ठीक है, तो स्पॉइल को डिवाइड करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो अभी तो लूटने के बारे में कुछ बताया नहीं गया, आगे देखते हैं इसमें। सी वाला, ही टूक द लास्ट पोर्शन। ठीक है, उसने लास्ट पोर्शन लिया बिकॉज एन एक्सीडेंट वुड बिफॉल एनी वन लेड अप अपॉन इट। ठीक है, तो यहाँ से नहीं शुरू होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी पोर्शन की बात कर रहा है कि उसने एक पोर्शन और लिया लास्ट में। ठीक है, तो सी से नहीं होगा हमारा, ए से ही हम लोग शुरू करेंगे, तो पहला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। ए से शुरू करेंगे, व्हेन इट वाज टाइम टू डिवाइड द स्पॉइल, जब लूट के माल को डिवाइड करने का टाइम आया। द लाइन टूक वन पोर्शन फॉर हिज टाइटल किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लाइन ने उसमें से एक टुकड़ा इसलिए लिया क्योंकि वह जो है जंगलों का राजा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद आएगा भी, ही टूक अनदर पोर्शन, उसने दूसरा भी पोर्शन लिया बिकॉज ही वाज ए पार्टनर, क्योंकि वह उसमें एक पार्टनर था, हिस्सेदार था। और येट अनदर ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और एक दूसरा हिस्सा भी लिया क्योंकि वह सबसे मजबूत सबसे ताकतवर है उसमें से। ठीक है, और उसने लास्ट वाला भी पोर्शन ले लिया क्योंकि उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। तो ऑप्शन नंबर चार इसमें करेक्ट हो जाएगा, आप इस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ा हमने डी, डी के बाद आगे यहाँ से शुरू करेंगे जब लूट को जो है डिवाइड करने का टाइम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सबसे पहले। तो ऑप्शन में क्या है कि एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन डी है और दो ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम जो है ए को ही प्रेफर कर देते हैं कि ए से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ही वाज, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है ही से स्टार्ट हो रहा है ए वाला, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी ऑप्शन जो है प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, तो ए वाले भी आपके नहीं होंगे, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी देखेंगे, वन नाइट द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम, अब यहाँ पर देखिए ही माया है, एक रात जो है गांव वालों ने जो है डिसाइड किया उसको एक लेसन पढ़ाएंगे। अब किसको एक लेसन पढ़ाएंगे यहाँ पर यह नहीं पता चल रहा है, हिम जो है किसके लिए आया है ये भी हम, ये अभी हमको नहीं पता है, तो हिम भी आपका नहीं होगा, यानी कि बी से भी सेंटेंस नहीं शुरू होगा। एक ही ऑप्शन बच गया है, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस ऑप्शन को लगाने में, बिल्कुल निश्चिंत तरीके से बिना पढ़े इसको हम इस ऑप्शन को लगा देंगे। ठीक है, फिलहाल पढ़ लेते हैं डी, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन ए विलेज, आपको पता है जब हम कोई स्टोरी शुरू करते हैं तो वंस अपॉन ए टाइम से ही शुरू किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिर। ठीक है, उसके आगे देयर लिव्ड अ मैन इन ए विलेज, एक आदमी जो है एक गांव में रहता था। उसके बाद आएगा डी, ए ऑप्शन डी के बाद, तो ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स, उसको आदत थी दूसरों का खाना चुराने की आदत थी उसको। और उसके बाद आएगा बी, बी वन नाइट द विलेजर्स, और एक रात विलेजर्स जो हैं गांव वाले थे उन्होंने उसको पाठ पढ़ाने का जो है डिसाइड किया, एंड केप्ट ओनली रोटेन फूड इन देयर किचन, और अपने जो है किचन में केवल सड़ा हुआ भोजन ही रखा। फिर उसके बाद लास्ट में सी आएगा, द कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब होता दोषी यानी कि चोर के लिए आया है, एंड अप ईटिंग द रोटेन फूड एंड फेल सिक, और उसने जो है सड़ा हुआ खाना खाया, खराब खाना खाया और बीमार हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो से हम शुरू करेंगे, ये इन दोनों ऑप्शंस का कोई भी लॉजिक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ए वाला ही से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हमारे दोनों ऑप्शन कट गए। और डी वाला देखेंगे तो यहाँ भी आपका एक प्रोनाउन आ गया है, तो इससे भी हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन बच गया, वही हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि दो ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन जो है डी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है सबसे पहले हम बी से शुरू करते हैं क्योंकि
बी की प्रायोरिटी ज़्यादा है इसमें, तो हम बी से ही शुरू करते हैं। तो बॉय कैन यू प्लीज़ शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या मुझे जो है तुम पोस्ट ऑफिस का रास्ता दिखा सकते हो। तो चलिए ठीक है, बी के बाद क्या फिर इसको पढ़ लेते हैं डी वाला। बॉय इट वेरी फार फ्रॉम हियर, या यहाँ से बहुत दूर है। ठीक, अभी तो उसमें वहाँ पर रास्ता पूछ रहा था, तो इसका मतलब बी वाले से पहले आएगा, ये तो बाद का पार्ट है कि यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, तो डी वाला नहीं होगा हमारा। उसके बाद यहाँ पर जो है बच गया सी वाला। सी वाला देखते हैं, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, तो सी वाले में तो शॉपकीपर बता रहा है, उसको रास्ता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमारा बी से ही शुरू होगा, और बी के बाद या तो ए आएगा या फिर सी आएगा। तो बॉय कैन यू प्लीज़ शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, शॉपकीपर गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक अ राइट टर्न। ठीक है, तो बी वाला, बी के बाद सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये स्टोरी टाइप का है, तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ भी सकते हो और इसको अच्छे से आसानी से जो है समझ भी सकते हो। काफ़ी आसान होते हैं इस तरीके से सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के भी कर सकते हो, ऑप्शन के माध्यम से भी देख सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, ये जो है सभी SSC CGL 2020 के आए हुए ही जो है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी, यानी कि चारों ऑप्शन जो है ए बी सी डी यानी अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं, चारों ऑप्शन अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं। और जब चारों ऑप्शन जो है अलग अलग से स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, केवल ये हमको फाइंड करना है कि जो है सेंटेंस या फिर जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है, ये कौन से सेंटेंस से शुरू होगा, इसमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो पहले आएगा, वही हमारा इसमें से आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए से ही शुरू कर देते हैं, ए वाला देखते हैं। दिस इन्वेंशन, अब कौन सा इन्वेंशन यहाँ पर आया, दिस इन्वेंशन, तो दिस एक प्रोनाउन है और ये हमको नहीं पता कि किस नाउन के लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात आई दिस इन्वेंशन, यह इन्वेंशन, अब हमको ये नहीं पता कौन सा इन्वेंशन। ठीक है, तो उसके बारे में हमको पहले से नॉलेज होगी, तभी तो हम बताएंगे ये वाला इन्वेंशन। ठीक है, तो इससे जो है हमारा सेंटेंस नहीं शुरू होगा। उसके बाद देखते हैं सी वाला, तो सी इन द बिगिनिंग हाउ एवर वेरी फ्यू पीपल नो ऑफ दिस डिस्कवरी एंड इट्स यूज, अब यह नहीं पता कौन सी डिस्कवरी, कौन सा, किसके यूज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ भी हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी डिस्कवरी, भाई कौन सी डिस्कवरी है ऐसी, या फिर किस चीज़ के यूज के बारे में बात की जाए, हमको पता ही नहीं अभी। ठीक है, तो सी से भी हम नहीं शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है बी ऑप्शन, पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज़ इन्वेंटेड, ये हमारा लग रहा है कि हाँ भी बिल्कुल ये हमारा पहला सेंटेंस बन सकता है। फिर भी हम लास्ट पार्ट भी पढ़ते हैं डी से, इट्स यूज, अब यहाँ पर देखिए फिर से आ गया है इट्स यूज, इसका प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ भी इट्स जो है किसके लिए आया है ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो केवल एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर तीन, यही हमारा जो है करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, नहीं आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अच्छा, पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज इन्वेंटेड, पेंसिलिन जो है एक बहुत ही यूजफुल ड्रग्स है जिसको कि इंसानों ने क्या है इन्वेंट किया है। उसके बाद आएगा ई दिस इन्वेंशन, अब यहाँ पर देखिए इन्वेंट आया है, उसके बाद यहाँ पर इसकी बात हो रही है दिस इन्वेंशन, दिस इन्वेंशन है हेल्प अस टू हील वाउंड्स केस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो घाव होते हैं, जो वाउंड्स होते हैं, उनको ठीक करने में ये जो है मदद करता है। उसके बाद आएगा डी ऑप्शन, इट्स यूज हैज़ सेव्ड हिम सेव द लाइफ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, ने बहुत सारे जो है सोल्जर्स की जो है जान को भी, उनके लाइफ को भी बचाया है। और उसके बाद लास्ट में सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देते हैं, बस आपको यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझना है, बाकी तो आप पूरा पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, पढ़ के तो एक घंटे में, दो घंटे में, या पाँच मिनट में सभी कर सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी से स्टार्ट हो रहा है चारों ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमसे केवल जो है फर्स्ट कौन सा होगा इसमें से, अगर वही चूज कर लेते हैं फर्स्ट वाला, तब हमारा काम इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ए से शुरू करते हैं, ए देन आई टूक, तब आई टूक हिम, किसको भाई यहाँ पर किसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए देन आया है, देन से हमारा सेंटेंस नहीं स्टार्ट, किसी बीच वाले पार्ट का बात कर रहा है कि देन, देन मतलब तब, तो उसके पहले कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन, ही एक्सप्रेस्ड, अब किसने एक्सप्रेस्ड किया ये नहीं पता हमको, ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विथ फोल्डेड हैंड, अब ये नहीं पता हमको किसने भाई अपना ग्रेटिट्यूड, आभार किसने व्यक्त किया, हमको नहीं पता। ठीक है, ये भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बी,
बी से देखते हैं, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वेन आई सा अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट। ये आपका हो सकता है, ठीक है, यही आपका पहला सेंटेंस बन सकता है। और आई वॉक्ड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर द ब्लाइंड है, द ब्लाइंड मैन, और यहाँ पर आया है ए ब्लाइंड मैन। तो हमने आपको पहले वीडियो में इस चीज़ पर काफ़ी जोर दिया था कि आपको जो है आर्टिकल को किस तरीके से यूज करना है। पहले वीडियो में इसमें हम जो है काफ़ी बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई जो है सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, पहली बार आता है, तो उसके पहले आर्टिकल ए, और जब उसी सब्जेक्ट को या उसी चीज़ को हम दोबारा यूज करते हैं तो फिर उसके बाद आर्टिकल द का यूज करते हैं। आपको कई बार मैंने पहले वीडियो में इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले आया है ए ब्लाइंड मैन, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला भाग जो बी वाला पार्ट है ये पहले आना चाहिए, और उसके बाद आया है यहाँ पर द ब्लाइंड मैन, ठीक है। तो इसका मतलब बी डी में से अगर हमको चूज करना है तो पहले आएगा बी वाला, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर 3 बच गया, यही हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए डी ए, यानी कि दो ऑप्शन जो है ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शन जो है ए से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए इनको देखते हैं, तो हम ए से ही शुरू कर देते हैं। इट इज आल्सो ए रिच सोर्स ऑफ, यहाँ पर यानी पता कौन सा चीज़ है जो एक रिच सोर्स है न्यूज का, ठीक है। इसके बारे में इट जो है किसके लिए यूज किया गया है अभी हमको ये बिल्कुल भी यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ए से हम नहीं शुरू करेंगे, यानी हमारे दो ऑप्शन जो है फ्री में कट गए, ठीक है। और ये सब बहुत ही जल्दी होगा एग्जाम में, ठीक है, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये सब बहुत ही जल्दी होगा एग्जाम में। और उसके बाद देखते हैं बी या डी, तो ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रेन रिमेन ग्लूड टू इट, यहाँ पर देखिए फिर से आ गया है इट, और ये पता नहीं है, यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये नहीं पता चलेगा किससे ग्लू मतलब होता है चिपका, ग्लू आपने सुना होगा, ग्लू मतलब गोंद जो चिपकाने के काम आती है, ठीक है। तो ग्लू मतलब होता है चिपकना, तो ग्लूड है इसकी पास्ट फॉर्म। तो ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रेन रिमेन ग्लूड टू इट, जो पुराने लोग थे वो इससे चिपके रहते थे, पता नहीं भाई कौन सी चीज़ किससे चिपके रहते थे, हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो बी से भी नहीं शुरू करेंगे, एक ही ऑप्शन आपका बच गया है, यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है, सब स्टोरी है इसमें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो जो हमारे सेंटेंस हैं ये या तो बी से शुरू हो सकते हैं या फिर ए से, यानी दो ऑप्शन बी से स्टार्ट हैं, दो ऑप्शन ए से स्टार्ट हैं, तो इन्हीं दोनों को पढ़ते हैं। बाय द स्वीट एप्पल्स और नन एट ऑल ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट, तो किसने किसके कौन से सर्वेंट को इंस्ट्रक्ट किया अभी हमको ये पता ही नहीं है, ठीक है। जब हमको कोई चीज़ पता ही नहीं है तो वो हमारा पहला जो है सेंटेंस नहीं बन सकता है, आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, ठीक है। हमारा पहला सेंटेंस जो भी होता है वो अपने आप में एक फुल मीनिंग देता है, ठीक है, फुल मीनिंग देता है, आपको पढ़ने से ही लगेगा हाँ यही हमारा पहला बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि ए वाला हमारा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आया है ही, और ही किसके लिए यूज हुआ है पता नहीं है, ठीक है, और कौन सा नौकर है किसका नौकर है ये भी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि हमारा जो सेंटेंस है वो बी से ही शुरू होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, द रिच मैन सेंट हिज सर्वेंट टू एन ऑर्कार्ड टू बाई सम एप्पल्स, यहाँ पर देखिए ए रिच मैन, एक अमीर आदमी जो है सेंट हिज सर्वेंट, अपने नौकर को भेजा जंगल में, या फिर ऑर्कार्ड मतलब जो फलों का बगीचा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है तो इसको ध्यान रखें, और कार्ड, ठीक है, टू बाई सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स को खरीदने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बी के बाद या तो ए आएगा या फिर डी आएगा, ठीक है, ए वाला पढ़ते हैं। बाई स्वीट एप्पल्स और नन एट आल ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट, यही वाला होगा, ठीक है, उसने जो है अपने नौकर को इंस्ट्रक्ट किया कि बाई स्वीट एप्पल, केवल जो है मीठे एप्पल खरीदना और कोई नहीं, ठीक है, नन एट आल, तो यही वाला हमारा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, द ओनर ऑफ द ऑर्कार्ड सेड टू द सर्वेंट, जो वहाँ का ओनर था ऑर्कार्ड था, तो अभी तो बगीचा पहुँचा ही नहीं है, ठीक है, अभी जब बगीचा पहुँचेगा तब उसकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्ट करेगा, यानी कि बी के बाद ए ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो गया है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा,
बी ए रिच मैन, एक अमीर आदमी ने अपने नौकर को कुछ एप्पल खरीदने के लिए भेजा, बाय स्वीट एप्पल और ननेटाल ही इंस्ट्रक्टेड ही सर्वेंट। उसने अपने सर्वेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि केवल जो है मीठे एप्पल ही खरीदना और कोई नहीं। उसके बाद आएगा डी ऑप्शन, द ओनर ऑफ द ऑर्कॉट सेड द सर्वेंट, जो ओनर था बगीचे का उसने सर्वेंट को कहा, ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट ट्राई वन, मेरे सभी जो सेब हैं वो मीठे हैं, एक ट्राई करके देख लो। उसके बाद आएगा सी, द सर्वेंट आस्क्ड, हाउ एम आई नो दैट ऑल ऑफ देम आर स्वीट इफ आई टेस्ट जस्ट वन, और उसने सर्वेंट ने कहा कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम्हारे एप्पल सभी मीठे हैं एक को चेक करके। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि एक सेब को चेक करके मैं कैसे कह सकता हूँ कि सभी मीठे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे द माउस हाउ यूर, पहले ऑप्शन पर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे ए बी डी बी, तो दो ऑप्शन बी से स्टार्ट हैं, तो बी वाले देखेंगे, यानी कि सेंटेंस हम अपना सबसे पहले देखते हैं कि बी से शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ए बुल वाज बीटन बाय अ माउस एंड पेंड बाय द बोन्ड ट्राई टू कैप्चर हिम। ठीक है, तो लग तो रहा है कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, ए बुल वाज बीटन बाय ए माउस, एक बुल जो है उसको एक चूहे ने काट लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आया है ए माउस, यहाँ पर आया है द माउस। ठीक है, तो ये यानी कि इससे कन्फर्म है कि सबसे पहले बी वाला आएगा, उसके बाद ही ए वाला सेंटेंस आ सकता है। ठीक है, तो ए से तो कन्फर्म हो गया, ए से नहीं शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए माउस है, यहाँ पर द माउस है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि बी के पहले ए सेंटेंस ही आएगा। अब ये कहाँ आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि पहले बी आएगा उसके बाद ही ए आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो है बी से ही शुरू होगा, उसके बाद या तो ए आएगा या फिर सी आएगा। ठीक है, तो द माउस पींग आउट क्रिप्ट अप हिज प्लैंक। ठीक है, और इसमें है द माउस हाउ यूवर रीच हिज होल इन सेफ्टी, तो ही वाला आपका करेक्ट होगा, ए वाला आएगा। उसने जो है एक बुल को काटा उसके, और जो है बुल के जो है पेन हो रहा था उसके वाउंड घाव में, ट्राई टू कैप्चर हिम, और उसने जो है चूहे को जो है कैप्चर करने का ट्राई किया। द माउस हाउ यूवर रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी, जबकि जो चूहा था वो अपने होल में बहुत ही सेफ्टी से चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी के बाद ए आएगा, ऑप्शन नंबर दो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ए डी सी। उसके बाद आएगा डी, द बुल डग इन टू द वॉल्स विथ हिज हॉर्न्स अंटिल वरीड ही क्रच्ड डाउन एंड स्लेप्ट बाय द होल। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात कर रहा है कि उसने जो है अपने सींगों के सहारे से दीवार को तोड़ फोड़ दिया और उसको जो है पकड़ने की वहाँ पर कोशिश की। ठीक है, उसने क्या, उसके बाद क्या हुआ, द माउस पींग आउट, माउस जो है निकला, क्रेप्ट अप हिज फ्लैंक एंड अगेन बीटिंग हिम रिट्रेटेड टू हिज होल, और चूहा जो है एक बार फिर से निकला, उसने काटा और दोबारा अपनी होल में वापस चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो ही हमारा करेक्ट इसमें ऑप्शन बन जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ए बी सी। ठीक है, ठीक है, और ये जो है काफ़ी आसान भी है, इसको आप पूरा करके भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए, तब भी आप इसको बिना ऑप्शन की सहायता से आसानी से इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए से शुरू करते हैं, ए इंस्पेक्टर वर यू स्लीपिंग व्हेन द रबर्स इंटर द बैंक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ए के बाद या तो बी आएगा या फिर डी आएगा, तो बी, गार्ड द आयरन ग्रिल लॉक वाज ब्रोकन। ठीक है, तो उसने कहा क्या तुम सो रहे थे, ये लेकिन ये तो कुछ और बता रहा है। ठीक है, आयरन ग्रिल लॉक वाज ब्रोकन, आयरन ग्रिल का जो लॉक था वो टूटा हुआ था। और डी वाला देखते हैं, डी, गार्ड, नो सर, द बैंक हैड क्लोज्ड एंड आई हैड जस्ट गोन टू रिलीव माई सेल्फ। यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या तुम जो है सो रहे थे जब डाकू आए थे, ठीक है, इंटर किया था बैंक में, तो गार्ड ने कहा नो सर, द बैंक हैड क्लोज, बैंक क्लोज था, एंड आई हैड जस्ट गोन टू रिलीव माई सेल्फ, और मैं आराम करने के लिए गया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फिर डी हो गया। उसके बाद आएगा सी, यहाँ पर इंस्पेक्टर व्हाट डिड यू सी व्हेन यू कम बैक, तुम वापस आए तुमने क्या देखा, फिर उसने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी, द आयरन ग्रिल लॉक वाज ब्रोकन एंड द बैंक लूटेड लुकड रैनसैक्ड बट द रबर्स काट नाट टेक अवे एनी थिंग एज आई हैड रिटर्न क्विकली। और उस जब उन्होंने पूछा तुमने क्या देखा जब तुम वापस आए, तो उसने कहा कि आयरन ग्रिल का लॉक जो है वो टूटा हुआ था एंड द बैंक
लुक्ड रैनसैक्ड, और बैंक रैनसैक्ड मतलब होता है तितर बितर हो जाना, ठीक है। तो बैंक जो है बहुत ही गंदा तितर बितर दिख रहा था, बट द रबर्स कुड नॉट टेक अवे एनीथिंग, लेकिन जो डाकू थे रबर्स थे वो कुछ नहीं ले जा सके, क्योंकि आई हैड रिटर्न्ड क्विकली, क्योंकि मैं जल्दी ही वापस आ गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चंस को आप लोग बिना ऑप्शन की सहायता से भी एक बार पढ़कर आसानी से कर सकते हैं। ये स्टोरी है, गार्ड ने कहा, इंस्पेक्टर ने क्या कहा, तो इसे आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, चलिए इसमें देखते हैं। A A D C, दो ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए वाला ही हम प्रेफर कर देते हैं, ठीक है। तो ए से पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैव ब्रॉट इन एडिशनल चेंजेस अलोंग विथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लग तो राग भाई पहला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको अलग से कोई किसी भी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें हमको सब कुछ दी गई है। उसके बाद देखेंगे, या फिर डी से शुरू करें, तो द रिजल्ट, हमने आपको बताया था कि जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वो लास्ट में आता है, ठीक है, किसी चीज़ का परिणाम जो होता है सबसे अंतिम में आता है, सबसे लास्ट में आता है। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, डी वाला कट जाएगा। और सी, सी से कम्युनिकेशन हैज़ नॉट ओनली बिकम फास्टर बट इजियर टू, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो लास्ट में आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। पढ़ते हैं इसको। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैव ब्रॉट इन एडिशनल चेंजेस अलोंग विथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसने चेंजेस लाए हैं, किसमें, एडिशनल चेंजेस अलोंग विथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दी चेंज, अब यहाँ पर देखिए आया है चेंजेस, एडिशनल चेंजेस, अब उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है दीज चेंजेस, ठीक है। तो मतलब कि इसके बाद ये वाला पार्ट ही आएगा, दीज चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस की बात की गई है, उसके बाद कहा गया है कि ये वाली चेंजेस, ठीक है, मतलब इस चेंजेस के बारे में बात इसमें की गई है। तो हमारा बी वाला होगा, ए के बाद बी आया है, उसके बाद सी डी, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर। शॉपकीपर, सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, बी डी सी ए, ए बी सी डी, ए बी सी डी से स्टार्ट हो रहा है, चारों में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, शॉपकीपर माला, शॉपकीपर माला, ठीक है। तो ये इस सब इस चीज़ों के, इन तरह के सेंटेंस को आप जो है इसको एक बार पढ़ के भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना ऑप्शन की सहायता से आप इससे जो है पढ़ के आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा कि माला, प्लीज़ गिव मी ए पैकेट ऑफ बैलून्स, 2 पैकेट्स ऑफ स्ट्रीमर्स एंड सम कैंडल्स। शॉपकीपर, सिंस वी आर ऑफरिंग हियर आई हैव पैक्ड देम ऑल, सिंस हाउ मच डू यू नीड टू पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू होगा बी से, ठीक है, इसको पढ़ लिया हमने, अब बी से शुरू करेंगे इसको। तो बी वाला ही हमारा होगा, क्योंकि इसी में ये बात की गई, गिव मी ए पैकेट ऑफ बैलून्स, मुझे बैलून का एक पैकेट दो, 2 पैकेट ऑफ इसके एंड सम कैंडल्स, और कुछ कैंडल्स हमको चाहिए। तो उसके बाद शॉपकीपर कहेगा, और यहाँ पर पैक्ड देम ऑल, सिंस हियर आई हैव पैक्ड देम ऑल, तो शॉपकीपर ने कहा कि मैंने इन सबको जो है पैक किया हुआ है। उसके बाद उसने कहा हाउ मच डू यू नीड टू पे, तुमको कितना पे करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद यहाँ पर आया सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द बैलून्स, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं बैलून्स पर, यू नीड टू पे ओनली 30 रुपीज़, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते, पढ़ करके जो है इसको आसानी से कर सकते हैं बिना ऑप्शन की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन पर चलेंगे, ए डी, यानी कि एक ऑप्शन ए है बाकी में डी है, तो इसका मतलब कन्फर्म है हम डी से ही सेंटेंस को शुरू करेंगे, ए वाला पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका है सेवरल लॉन्ग लीवर सिस्टम्स, अमेरिका में जो है बहुत सारे लंबी नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद या तो सी आएगा या फिर आएगा ए आएगा, दो ऑप्शन में है सी, तो हम सी को ही शुरू करते हैं। ऑल दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, द रियो ग्रैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका। यद्यपि सबसे लंबी तो नहीं है, बट द रियो ग्रैंड जो नदी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में सबसे इम्पॉर्टेंट नदी कौन सी है, द रियो ग्रैंड। उसके बाद सी हो गया, सी के बाद या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। तो हाउ एवर, अब इट्स इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आया है इट्स, ठीक है, तो इट्स किसके लिए आया है, इस रिवर के लिए यहाँ पर बात की गई, ठीक है। हाउ एवर इट्स इम्पॉर्टेंस इज़ प्राइमरली फॉर इट्स लोकेशन,
यहाँ पर क्या है कि इसकी जो इस नदी की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है कि इसके लोकेशन के हिसाब से, ये लोकेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। उसके बाद आएगा लास्ट में बी वाला, बट अनलाइक अदर रिवर्स इज इट इज़ नॉट यूज फॉर शिपिंग, लेकिन दूसरी नदियों के तरह जो है ये जो है शिपिंग के लिए यूज नहीं होती, ठीक है। तो हमारा जो है बी वाला लास्ट में आया, ऑप्शन नंबर दो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप जो है एक बार पढ़ लेंगे तब भी आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, दो ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए और डी वाला पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टूडे, और ए वाला क्या है, देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन्स एज वेल अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टूडे, और इसमें है देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन्स एज वेल अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन। तो हमारा जो है डी से शुरू करेंगे इसमें, और डी के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टूडे, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर आया है द टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरी एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। उसमें है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर बी आएगा डी के बाद बी, क्योंकि इस टर्म के बारे में यहाँ पर आगे बात की गई है कि द टर्म मतलब ये वाला टर्म जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है इज़ यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। तो डी के बाद हमारा बी पेयर बनेगा, डी के बाद बी, ठीक है। तो इस ऑप्शन में बन रहा है और डी के बाद बी, और तो किसी ऑप्शन में नहीं, ठीक है। तो यही वाला हमारा होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी से शुरू करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टूडे। उसके बाद आएगा बी द टर्म, इस टर्म इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पर आगे और सारी बातें कर रहा है इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। ये जो टर्म है इज़ यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका सी वाला, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर फॉर ग्लोबल वार्मिंग और देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आए प्राइमरी, पहले वाले की बात की जा रही है, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई चीज़ है जो पहले आएगी पहले बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इससे भी आप सोच सकते हैं कि सी के बाद आएगा ए, ठीक है। तो सी के बाद आना चाहिए ए, केवल इसी ऑप्शन में, ठीक है, केवल तीसरे ऑप्शन में ही है ये चीज़ें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर तीन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। इसके आगे हम लोग, इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए मेंस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, यहाँ पर सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा, 2019 के जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है सीजीएल मेंस का उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे डी बी ए डी, दो ऑप्शन जो है डी से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो डी वाले को हम शुरू करते हैं, ए डॉग हैज स्टोलन ए पीस ऑफ मीट आउट ऑफ ए बचर्स शॉप, ठीक है। और उसके बाद बी वाला पढ़ लेते हैं, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग, ठीक है। तो ही आ गया इसलिए बी वाला नहीं होगा, और ए वाला भी नहीं होना चाहिए, क्यों पढ़ लेते हैं, बट इन द स्नैपिंग एट द सपोज सीजर ही, यहाँ पर भी ही आ गया है, अब किसके लिए आया है यहाँ पर आपको पढ़ के नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इससे भी नहीं होगा, हमने आपको बता दिया था पहले ही कि दो ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि सेंटेंस हमारा डी से ही शुरू होगा। तो ए डॉग हैज स्टोलन ए पीस ऑफ मीट, एक डॉग ने जो है एक मीट का टुकड़ा जो है चुराया था आउट ऑफ द बुचर शॉप, बुचर की शॉप पर से, ठीक है। उसके बाद आएगा ए या तो फिर आएगा बी, तो व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रिवर ऑन हिज वे ही सा हिज ऑन शैडो रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रीम बिलो, और यहाँ पर है बट इन द स्नैपिंग एट द सपोज ट्रीजर ही ड्रॉप्ड द बिट ही वाज कैरिंग एंड सो लॉस्ट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर खोने की बात कर रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें खो गई हैं, और आपने ये वाला स्टोरी आपने पढ़ी भी होगी कक्षा 2, 4, 5 में, ठीक है।
तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इसके बाद जो है ऑप्शन बी ही आएगा, डी भी हमारा शुरू हो जाएगा, उसके बाद आएगा सी। यहाँ पर उसने एक पीस टुकड़ा मीट का जो है टुकड़ा चुराया, उसके बाद वो जब नदी से क्रॉस कर रहा था तो उसने अपनी परछाई को नदी में देखा, उसके बाद थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग, फिर उसने सोचा यह एक दूसरा कुत्ता है, विथ अनदर पीस ऑफ मीट, जिसके मुँह में दूसरा मीट का टुकड़ा है, ही रिसोल्व टू मेक हिमसेल्फ मास्टर ऑफ दैट आल्सो, और उसने सोचा कि मैं इन दोनों का मालिक बन जाऊं, ठीक है, दोनों टुकड़ों का मालिक बन जाऊं। उस हिसाब से फिर उसने नीचे झांका उसमें, ठीक है, और उसका वो वाला टुकड़ा भी गिर गया। इस तरीके से उसने अपना सारा टुकड़ा जो है दोनों खो दिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।